स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे हैप्पी होंगे सो so, आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये होगी कुंभ राशि वालों के लिए साल 2021 आखिर कैसा रहेगा लव बिजनेस करियर फाइनेंस सब चेक करेंगे हम लोग बट शुरुआत करने से पहले आप सभी को नए साल की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं ईश्वर करे आप सभी की लाइफ में ढेर सारी खुशियां प्यार और आप लोगों को सक्सेस हासिल हो सो so, चलिए चलते हैं लव राशि के बारे में पहले देखते हैं कि कुंभ राशि वालों की लव लाइफ में क्या होने वाला है मुझे काफी हद तक दिखाई दे रहा है कि उनके मैं देख पा रही हूँ कि शुरुआती दौर में साल के शुरुआत के दौर पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वो किसी को बार बार बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं काम पे थोड़ा मन लगना मुझे कम दिखाई दे रहा है चांसेस है कि कहीं माइंड बहुत डाइवर्टेड रहेगा किसी पर्सन जो जा चुके हैं उसके बारे में कोई अपने लव्ड वन या कोई अपने के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित और बहुत ज़्यादा विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं डाइवर्टेड दिखाई दे रहे हैं मुझे काफ़ी हद तक लिख दिख रहा है कि ये प्यार के चलते बहुत ज़्यादा एजाइटी ले सकते हैं स्ट्रेस ले सकते हैं अपनी हेल्थ ख़राब कर सकते हैं या रातों की नींद बिगाड़ सकते हैं तो आप जितना सके स्ट्रेस से बचें आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है काफ़ी हद तक अगर लव के मामले में मैं ये देखूँ तो काफ़ी लोगों के मुझे मैरिज पॉसिबिलिटीज़ की भी कम संभावनाएं लगता है काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि मैरिज पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से ये समय सही नहीं होगा आपको साल 2021 के फिर भी एंड में ट्राई करना चाहिए बस शुरुआती समय या ये साल जो है शादी के लिए या किसी भी तरीके का आ, अच्छे रिजल्ट्स के लिए मुझे नहीं लगता कि बेहतर होगा येस yes, लेकिन एंड ऑफ जो फोर मंथ्स होंगे वो फिर भी आप लोगों के लिए बेटर रहेंगे चांसेस है कि कोई अच्छी न्यूज़ हो सकती है या कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं बट यस ये बहुत मिला जुला रहेगा साल आप लोगों के लिए uh, काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे या बहुत ज़्यादा एनजाइटी लेंगे या बहुत ज़्यादा परेशान या मिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं किसी को बार बार चांसेस है कि आपका माइंड बहुत डाइवर्टेड रहेगा मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की याद आपको इतनी ज़्यादा सताएगी जिसको लेकर आप परेशान रह सकते हैं और बेबी कंसीविंग के लिए अगर कुछ लोग सोच रहे हैं तो फोर्थ ये जो लास्ट फोर मंथ्स होंगे साल के साल दो के वो काफ़ी बेहतर रहेंगे या शादी के लिए भी लास्ट के फोर मंथ्स जो है शादी के लिए बेटर रहेंगे काफ़ी हद तक अगर रिकन्सुलेशन के लिए भी वेट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत थर्ड पार्टी से परेशान शान हो सकते हैं या उनसे इरीटेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है हेल्थ के मामले में अगर मैं देखूँ तो मुझे हेल्थ बहुत बिगड़ते हुए दिखाई दे रही है हेल्थ के काफ़ी हद तक मुझे रीज़न दिखाई दे रहे कि चांसेस है कि या ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे या बैक की इशूज़ हो सकती है या काफ़ी हद तक मुझे चेस्ट या हार्ट के इशूज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे काफ़ी लोगों के लिए हेड एक भी या स्मॉल स्मॉल माइग्रेंस भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस के चलते मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बीमार या अपने आप को बहुत ज़्यादा बेजार महसूस करेंगे काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहेंगे अपनी हेल्थ के लिए भी कहीं हद तक फिगर आउट नहीं कर पाएंगे कि हेल्थ क्या प्रॉब्लम दे रही है या क्यों प्रॉब्लम हो रही है कुछ लोगों को साइनस की भी इशू हो सकती है कुछ लोगों को ब्रीदिंग इशूज़ हो सकती है हो सके तो वर्कआउट करें और अच्छा रूटीन बनाएं खाने पीने पर फोकस करें ताकि आपकी जो हेल्थ है वो इंप्रूव हो सके क्योंकि ज़्यादा सोच विचार से भी मुझे काफ़ी लोगों की हेल्थ बिगड़ते हुए दिखाई दे रही है तो कोशिश करें कि जो आपकी हेल्थ है वो आपके कंट्रोल में रहे हो सके तो मेडिटेशन करें ताकि आपकी हेल्प हो सके या रे की हीलिंग भी आपके काम आ सकती है एजुकेशन को लेकर मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी हद तक येस yes, रिजल्ट आएंगे लेकिन काफ़ी हद तक मुझे कुछ सेटिसफाइड नहीं दिखाई दे रहे है. मुझे दिखाई दे रहा है रिजल्ट जो भी होंगे हो सकता है अपनी फील्ड में कुछ ज़्यादा खुश नहीं होंगे या कोई सेटिसफैक्ट्री रिजल्ट नहीं आएंगे या किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या परेशान या स्टक वाली मुझे दिखाई दे रही सिचुएशन है चांसेस है कि कुछ चीज़ों को लेकर आप खुद को बहुत ही बंधा हुआ महसूस करेंगे एजुकेशन के मामले में अगर बात करूं मैं बिजनेस के मामले में तो मुझे बिजनेस के मामले में ओवरऑल दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छी एक शुरुआत होगी साल की शुरुआत जो चार महीने होंगे वो बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हुए दिखाई दे रहे हो या तो किसी नए स्टार्टअप की शुरुआत करेंगे या जो भी आपका बिजनेस है उसमें बहुत ज़्यादा एंथुजियाजम क्रिएट करेंगे बहुत ही स्ट्रांग होकर अपने बिजनेस को बखूबी संभालेंगे और उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन मिड ऑफ जो ईयर रहेगा वो आपके लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है चांसेस है कि किसी से मनमुटाव हो सकते हैं कलीग से या आपके सीनियर से या आपके इन्वेस्टर से किसी किसी तरीके का मनमुटाव या थोड़ी परेशानी या योद्धा वाली पोजिशन में दिखाई दे रहे हैं चांसेस है कि कुछ लोग आपको परेशान करेंगे जिससे आपको डिफीट करना पड़ेगा यानी कि जंग लड़नी पड़ जाएगी जिसको लेकर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत एनर्जेटिक और उत्साह से अपनी जंग लड़ेंगे भी काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि बिज़नेस में एक नई ट्रांसफॉर्मेशन आएगी यानी कि कुछ तो नया करेंगे या तो न्यू बिज़नेस होगा या तो नया पैसे की कहीं से और स्कोप निकलेंगे या कहीं से अगर कट अटका हुआ पैसा है तो चांसेस है वो आ जाएगा बिजनेस में जो भी आप लोगों का डाउनफॉल अगर हुआ ये मिड ऑफ दी मंथ में वो आप दुगनी तेजी से उछाल कर पूरा पैसा निकाल देंगे मुझे काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी अच्छे आउटकम्स दिखाई दे रहे हैं बिजनेस में भी काफ़ी अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है कि सक्सेस प्राप्त होगी बट काफ़ी ज़्यादा नहीं रहेगी मिनिमम मुझे लग रहा है कि ओके ओके पोजीशन पे रहेंगे आप कुछ अच्छी न्यूज़ भी आ सकती है एंड ऑफ जो साल के आखिरी चार महीने हैं उस दौरान मुझे कोई गुड न्यूज़ भी आते हुए दिखाई दे रही है काफ़ी लोगों के लिए करियर और जॉब की मैं बात करूँ तो मुझे काफ़ी हद तक आपका थोड़ा बिहेवियर इमेच्योर होता हुआ दिखाई दे रहा है चांसेस है कि कोई जॉब को लेकर या तो कन्फ्यूज़ रहेंगे प्रपोजल्स को ध्यान नहीं देंगे जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी उसको मिस कर सकते हैं या चांसेस है कि ऑफिस में थोड़ा इमेच्योर बिहेव करेंगे छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा या चिड़चिड़ हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं या किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं काफ़ी लोगों को न्यू जॉब मिलेगा साल की शुरुआत के जो फोर मंथ्स है उसमें न्यू जॉब मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं काफ़ी लोग मुझे सेलिब्रेट करा करते हुए दिखाई दे रहे हैं मिड ऑफ मंथ में चांसेस है कि कोई प्रमोशन या कोई अप्रेजल या कोई न्यू न्यू जॉब ऑफर हो सकता है जिसमें बहुत सारा फाइनेंस आ सकता है आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है और काफ़ी लोग अगर किसी तरीके का जॉब ऐसा कर रहे हैं जिसमें डुअल्टी से काम करें तो उसमें मतलब यानी कि दो लोगों के सहायता यानी कि हेल्प लेनी पड़ सकती है काफी हद तक और मुझे काफी लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं चांसेस है कि कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या कोई नए बिजनेस में या तो किसी तरीके का ऐसा जॉब करेंगे जिसमें दूसरे की भी आपको मदद लग जाएगी या किसी भी तरीके की मदद आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी किसी की हेल्प से आप बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे हो सकता है काफी हद तक आपकी मदर या घर में कोई सदस्य है जो आपको आगे अप्रोच करके ले जाएगा या किसी की तरफ से आपको अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती हैं कोई पर्सन आपके सामने कुछ अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ अच्छे अच्छे ऑफर्स ला सकता है मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है या ला सकती है फाइनेंस में देखें तो फाइनेंस में भी मुझे काफी आप सेटिस्फाइड वाले रिजल्ट्स भी दिखाई दे रहे हो अपने किंगडम में राज करते हुए दिखाई दे रहे हो अगर आप बहुत समय से फाइनेंस को लेकर परेशान रहे तो मुझे लिख रहा है कि अभी आप थोड़े सेटिस्फाइड होंगे अब आपको थोड़े फाइनेंस अच्छा आउटकम आता हुआ दिखाई दे रहा है काफी लोगों लो के लिए फाइनेंस के मामले में पैसों के मामले में सेलिब्रेशन का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है चांसेस है कि बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे या कहीं से अनएक्सपेक्टेड धन आ सकता है जहाँ से आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कुछ गुड न्यूज आने की भी मुझे काफ़ी हद तक आशंकाएं लग रही है और यस मुझे लग रहा है कि किसी की फाइनेंस फाइनेंस में कोई आपकी हेल्प भी करेगा मतलब किसी से उधार लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे लेकिन ये आपने लोन के लिए अप्लाई किया तो लोन मिल सकता है अगर किसी की हेल्प ले रहे हैं कोई बिजनेस में या कोई जॉब में तो उनके थ्रू भी हो सकता है कि आपकी तरक्की हो सकती है कोई नए प्रपोजल नए ऑफ़र या फाइनेंस के कोई नए रास्ते भी खुल सकते हैं कहीं से ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिससे आपके पास और फाइनेंस आ सकता है सो और उसके अलावा देखते हैं कि आप लोगों को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है जहां बात करें प्रिकॉशंस लेने की तो चांसेस है कि आप बहुत ज़्यादा खुद को अकेला कर देंगे या लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं तो प्रिकॉशंस में यहां पर एंजल्स मुझे एडवाइस दे रहे हैं कि काफ़ी हद तक आपको नीड है कि आप थोड़ा सोशलाइज करें थोड़ा सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करें या फ्रेंड्स के साथ थोड़ा उठे बैठे ताकि आपको थोड़ा बेटर फील हो और अच्छी एनर्जीज़ और अच्छे वाइब्स के इर्द गिर्द रहें काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई न्यू लव की आपको ज़रूरत है अपने हार्ट चक्र को हो सके तो ओपन रखें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस पर फोकस ना रखें हो सके तो अपनी लाइफ में हार्ट चक्रों को ओपन करके किसी को एंटर करने दें अगर आपके पुराने लव है जिनको आप फॉगेव नहीं कर रहे तो चांसेस है कि उन्हें फॉगेव करके आपको आगे बढ़ना होगा या चांसेस है कि अपने लव वंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है काफ़ी हद तक मुझे किसी के कारण आप बहुत ज़्यादा धोखा या किसी तरीके की चोट खाते हुए दिखाई दे रहे हैं तो हो सके तो बहुत सारी बातों को ऐसी चीज़ों को अपने मन पर लगाना मत या दिल पर मत लगाना क्योंकि मैंने आपके हार्ट चक्रों को बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ देखा है तो काफ़ी हद तक आपको अपना जो दिल है उसे खुला रखना पड़ेगा काफ़ी लोगों के लिए दिल अपना जो ओपन रखेंगे तभी आपको अपने अचीवमेंट्स मिल पाएंगे किस किसी के तरीके का आपको धोखा मिल सकता है मुझे काफ़ी हद तक ये भी लग रहा है अपने काम पे फाइनेंस पे या ओ, जो भी आप जॉब कर रहे हैं ओवरऑल आपके लव वंस कोई तरीके का धोखा हो सकता है तो उससे सावधानी बरतने की और आँखें खुली रखने की जरूरत है और अगर मैं बात करूँ कि साई बाबा डेस्क से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है तो साई बाबा कह रहे हैं कि दुखों का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं है वर्णन उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से है आपका सामना आ, उसका सामना कीजिए तो आपको अपने दुखों का सामना करने की जरूरत है चांसेस है कि आप अपने दुखों को देखें थोड़े भयभीत हो सकते हैं तो उस पोजीशन से आपको हिलने की जरूरत है और अपने दुखों का डट कर एक योद्धा बनकर जिस तरह आपके काज में आया उसका सामना कीजिए और लह, बोलते हैं ना गिव अप मत कीजिएगा और काफी हद तक अगर मैं एंजल मैसेजेस देखूँ तो एंजल मैसेजेस में आपके लिए मैसेज आया है कि आपको अपनी अपने आप को रीडिस्कवर करने की जरूरत है जिसको आप भूल गए हो जिस या भूल गई हैं उसे इंसान को दोबारा एक नया जन्म देने की और दोबारा जगाने की या बूस्टअप करने की आपको ज़रूरत है दोबारा अपने अपने आप को पहले जैसा बनाने की ज़रूरत है और काफ़ी हद तक मुझे ये जो मूनोलॉजिक कार्ड से आप लोगों के लिए मैसेज आया वो कहता है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस सक्सेस तो काफ़ी हद तक आपको ज़रूरत है कि अगर आपको सक्सेस प्राप्त करनी है तो आपको कॉन्फिडेंस जो है वो बनाए रखना है जितना हो सके अपनी जो होप्स हैं उसको लूज ना करें उसको अपने आप को नेवर गिव अप वाली सिचुएशन पे रखें और जितना हो सके अपनी लड़ाई को लड़ते रहें तभी आपको जो है सक्सेस हासिल होगी कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है अपने अंदर की योद्धा को जागरूक रखें ठीक है सो ये थी कुंभ राशि वालों की राशि आई होप आप लोगों को समझ में आया है साल दो कैसा रहेगा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका दो सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि और भी ब्यूटीफुल वीडियो आप देख सकें बाकी दो चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं उस पर भी मैं वीडियोज डालती रहती हूँ और येस उसके अलावा अगर आप पर्सनल रीडिंग कराने जाते हैं तो पर्सनल रीडिंग के चार्जेस लागू होते हैं पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है उसके लिए व्हाट्सअप करें कॉल ना करें ठीक है नंबर मैंने वीडियो पर दे दिया है और उसके अलावा चाहें तो आप कुंभ राशि वालों के साथ ये शेयर कर सकते हैं वीडियो और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि कितने एक्साइटेड है आप साल 2021 के लिए और यस कितनी रिजोनेट हुई आप लोगों की रीडिंग सो अपना ध्यान दीजिएगा अपनी केयर कीजिएगा बहुत ज्यादा हो सके मेडी कीजिएगा ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिएगा थोड़ा वॉक एक्सरसाइज और अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिएगा अभी के लिए इतना ही चलती हूँ मैं बाय लव यू ओम श्री राम